Subscribe and click the bell icon for the latest updates and notifications from the Indian Express. Table toppers Australia will take on New Zealand, while Pakistan will take on Afghanistan in the World Cup matches on Saturday. I have with me my colleagues Arun and Praveen. Arun, let's start with the Australia-New Zealand match. Kitna mushkil hai New Zealand ke liye ye match, considering they lost their last league fixture against Pakistan? Well, obviously they had a few close matches in this tournament. They were lucky enough to end up on the winning side, but in the last match jaise wo haar gaye Pakistan ke against, matlab us dar unki ek bahut zyada weakness expose ho gayi, because they are too much dependent on Williamson. जब तक ओपनिंग उनकी परफॉर्म नहीं करेगी, बिग लूप होल इन देयर बैटिंग साइड. बिगेस्ट फेलियर क्या लगता है, मार्टिन गप्टिल या कोलिन मुनरो? मेरे हिसाब से तीन लगते हैं, गप्टिल भी हैं, रॉस टेलर भी हैं और मुनरो भी हैं, क्योंकि तीनों ही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और सारी की सारी पूरा बैटिंग ऑर्डर जो है वो विलियमसन के ऊपर है. अगर विलियमसन जल्दी चले जाते हैं तो पूरी 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 टीम कलेप्स हो जाती है, जो कि हमने कल देखा पाकिस्तान के खिलाफ. तो ये बहुत बड़ी कंसर्न है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमों को अभी सेमीफाइनल के हिसाब से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ऑस्ट्रेलिया पहले ही थ्रू हो चुकी है, न्यूजीलैंड को बस एक जीत चाहिए. वो इज देयर एनी लाइक न्यूजीलैंड के लिए कोई ऐसा चांस है कि दे माइट नॉट क्वालिफाई द सेमीफाइनल? वेल, प्रैक्टिकली दे आर इनटू द सेमीज, बट अंटिल अनलेस समथिंग बिजार हैपेंस. सो न्यूजीलैंड हैव वन फुट इन द फाइनल, दे शुड जस्ट मेंटेन अ गुड नेट 100 एंड दे विल बी इन द सेमीफाइनल. दे विल बी थ्रू. ओके, इफ वी टॉक अबाउट द लास्ट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, इवन देयर बोलर्स, न्यूजीलैंड बोलर्स लोकी फर्गुसन एंड मैट हेनरी, जिनके ऊपर सारा दारोमदार था, आई मीन दे कुडंट take the wickets of Pakistani batsmen. I would give credit to Babar Azam's batting, the way he batted. और जिसने उसने पूरी responsibility खुद पे ले ली. पहले बहुत slow खेला और जो साथ में हैरिस आए, even जो दूसरे batsmen भी पहले आए जैसे हफीज़ आए, उन्होंने बहुत ही defensive तरीके से उनको handle किया, तो इसलिए कहीं मौका ही नहीं दिया, वो margin for error कहीं दिखा नहीं, तो इस वजह से फिर वो back foot पे चले गए न्यूजीलैंड का. लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ ये होता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया में यू आर फेसिंग डेविड वार्नर एंड द लाइक्स of Aaron Finch. Well, it also depends on their batting, because the score was really low when they faced Pakistan. So that was the main point, they were not getting wickets, they were not able to apply that pressure, because required run rate was never above 6. So 6 is quite manageable agar aapke paas 7 wickets in hand ho. To ye main point hai, and I guess Tom Latham inke perform nahi kar rahe hain, so they might look for a change in their 11. Wo jeet dete hain abhi tak, to matlab us pe zyada उनका एक्सपोज नहीं करा, दे एंड दे थॉट कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही उन्हें चलना चाहिए, बट आई गेस टॉम लिंडन, जिन्होंने सेंचुरी स्कोर किया था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन द वार्म अप, उसको शायद चांस मिल सकता है इंस्टेड ऑफ टॉम लैथम. बिकॉज़ उन्होंने 27 रन स्कोर करे इन 5 गेम्स. तो वो कोई जानता है, हु डू यू थिंक वुड बी द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन द ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड क्लैश? आई वुड मिचेल स्टार्क ऑफ कोर्स एंड सेंटनर. सेंटनर बॉल्ड ब्रिलियंटली अगेंस्ट पाकिस्तान, और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक नया स्पिनर लाने की कोशिश करेंगे अपने स्क्वाड में. बट ऑस्ट्रेलिया के लिए भी जो मिडिल ऑर्डर है अभी तक आप देखो तो शॉन मार्श, एलेक्स कैरी, ये लोग बहुत ज्यादा अच्छे परफॉर्म नहीं किए. दे हैव नॉट बीन सो कंसिस्टेंट द वे डेविड वार्नर और एरन फिंच हैव डन. या बिकॉज़ उनके टॉप ऑर्डर ने सब परफॉर्म करा है, दे आर द टॉप 2 रन स्कोरर ऑफ दिस टूर्नामेंट, 2 सेंचुरीज टू देयर नेम, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी है. यस, अगर वो दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं देन द प्रेशर विल बी ऑन स्मिथ और ख्वाजा, तो तब उनकी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग टेस्ट होगी. जो अभी तक वार्नर और इन्होंने बिल्कुल भी फिंच ने बिल्कुल भी टेस्ट होने नहीं दी, एक्सपोज नहीं होने दी अपनी बैटिंग, तो कहीं ना कहीं इसका भी असर है. सो वर्ल्ड कप में इफ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री, लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, दे हैव प्लेड 10 मैचेस एंड ऑस्ट्रेलिया हैव वन 7 मैचेस एंड न्यूजीलैंड 3. सो लेट्स सी इफ देयर इज अ चेंज in the World Cup record of Australia and New Zealand. And now let's talk about the Afghanistan-Pakistan match, because this is a very crucial match for Pakistan. They have defeated New Zealand and now they want to beat the Afghanistanis to come closer to the semi-final race. कैसा लगता है अरुण, जिस तरीके से बिल्कुल 1992 World Cup के ट्रैक पे चल रहा है पाकिस्तान को? 1992 में दे वॉन बाय 7 विकेट्स, इस बार 6 विकेट्स, तो बिल्कुल इक्वल नहीं था. नहीं, बट यस, उनका कैंपेन ऐसे ही रहा है एंड दे विल होप कि ऐसा ही रहे,
and they will face Afghanistan, which will not be so easy because Afghanistan gained momentum against India. बहुत ही close match था, तो Afghanistan आपको लगता है कि challenge दे पाएगी पाकिस्तान को? The way they like made it a thrilling encounter against India. मुझे लगता है कि पाकिस्तान यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं है अफगानिस्तान को. और जो जो ट्रैजेक्टरी की बात कर रहे थे अब 1992 वाली, उसमें इन्होंने कैंपेन भी यही चलाया हुआ कि वी हैव वी विल. तो मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेगी पाकिस्तान. हु डू यू थिंक पोस्ट थ्रेट फॉर द पाकिस्तानी फ्रॉम द अफगानिस्तान साइड? वेल देयर स्पिन ट्रियो आई गेस, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था अगेंस्ट इंडिया, मुजीबुर रहमान, राशिद खान, नबी. बट द पॉइंट इज पाकिस्तान प्ले स्पिन वेल, मतलब एशियन टीम है. इवन दो इंडिया वॉज इन एशियन टीम, अगर आई गेस पाकिस्तान हैव परफॉर्म वेल अगेंस्ट द स्पिन. अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट दे प्लेड सैंडना वेल, तो दैट विल बी द ओनली पॉइंट पाकिस्तान विल बी फोकसिंग ऑन. सो दैट इज द थिंग, पाकिस्तान विल ऑल्सो रिलाई ऑन द रिजल्ट ऑफ द अदर मैचेज इफ दे वॉन्ट टू स्टे इन द रेस फॉर द सेमीफाइनल. लेट सी वॉट हैपन्स ऑन सैटरडे. बीट ऑस्ट्रेलिया बीट न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड विल बीट ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान थ्रैश अफगानिस्तान एंड रीच द सेमीफाइनल. Thanks for watching IndianExpress.com.